नारी किसी के शत्रु नहीं होती, कैसे मजबूत बने। तो झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें दवाएं नहीं है, पैथोलॉजी लैब अनरजिस्टर्ड तरीके से चल रहे हैं। योगी जी की सरकार है, योगी जी की चलती है और किसी अधिकारी की नहीं चलती। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के लालगंज ब्लॉक में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आज नारी शक्ति वंदन का एक कार्यक्रम हो रहा है और जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सत्या पांडे जी, जो पूर्व मेयर हैं गोरखपुर से, और उसके बाद अमिता गुप्ता जी हैं जो महिला भाजपा की अध्यक्ष हैं गोरखपुर से, और लालगंज जिला अध्यक्ष सूर्य श्रीवास्तव जी हैं। और जैसा कि अभी अंदर महिला शक्ति वंदन का कार्यक्रम चल रहा है, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और अब से कुछ ही क्षणों में ये प्रोग्राम ख़त्म होगा और हम जिला अध्यक्ष से इस विषय पे पूछेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम का मकसद क्या था और कैसा था और कैसा नहीं। तो जैसा इस वक्त अभी आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम खत्म हो चुका है, हमारे साथ में गोरखपुर की पूर्व मेयर साहिबा है, हम इनसे पूछेंगे। मैडम, आज जैसा ये प्रोग्राम जो रखा गया था महिला शक्ति वंदन, तो इस प्रोग्राम के बारे में आपकी एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, नारी के बारे में आपने माँ के बारे में जो शब्द कहे थे वो क्या है, फिर से एक बार बता दें। देखिए, नारी शब्द जो है उसका अर्थ ही है ना, मतलब नहीं, अरि मने शत्रु। नारी किसी के शत्रु नहीं होती और वही वास्तव में वही नारी है। और नारी के अभिनंदन में, और सभी को पता है कि नारी ही ऐसी शक्ति है जो ईश्वर ने दिया है नारी को, कि वो बेटी थी तभी से उसके अंदर मातृत्व रहता है, वो पिता को भी एक बहुत ही एक मातृत्व के रूप में देखती है, भाई को भी और अपने पुत्र को भी। और दूसरे नारी को देखे होंगे, नारी कभी भी अब ये नहीं चाहती कि मेरे घर का पुरुष जो बड़े, मैंने तो जन्म दिया अपने बेटे को, हम उसको कैसे वो करें, लेकिन नहीं, नारी अपने से आगे पुरुषों को बढ़ाती है। और उस नारी के सम्मान में 33% आरक्षण हेतु, जो कि विधानसभा और संसद में नारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और अपनी बातों को रख सके, अभी मात्र इतने बड़े लोकसभा में इतने सदस्यों के बीच मात्र 82 सांसद महिला है, और जब ये अधिनियम को पूर्ण लागू हो जाएगा तो 181 महिला, अभी की जो कैपेसिटी है जो सांसद सदस्य लोग हैं, और आगे बढ़ जाएगा तो संभवतः और भी महिलाएं संसद में पहुंचेंगी और अपनी बात को रखेंगी। मैं ही महापौर थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि लोग, पुरुष लोग कहते थे, पति लोग, कि ऐसा जल्दी से खाना बना लो, और हमने ये पता किया है कि मेयर साहिबा जो हैं महिलाओं की बहुत ज़्यादा सुनती हैं। ऐसा नहीं था कि पुरुषों को हम भगा देते थे, पुरुषों का भी सम्मान करते थे, लेकिन हाँ, नारियों की ही सुनते थे ये भी सत्य था, और नारी की जरूर सुनते थे ये भी सत्य था। तो नारी जब हो जाएगी आपके यहाँ की जनप्रतिनिधि, तो आपके घर की, आप जहाँ जाए दौड़ते हैं, आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माँ स्वयं जाके बोल सकती है कि ए बहनी देखो तू करौलू ना आई कमवा, या हाई कमवा करा दो, वो उसके किचन में भी पहुंच सकती है। आप पुरुषों के कहां पुरुष के, क्योंकि पुरुष चौके में रहेगा ही नहीं, रसोई में वो अपना खुदे चाहेगा कि घर से बन के आवे तो हम खाएं। तो इसलिए नारी जो होती है, इसके लिए हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को कि वो इतने अच्छे से नारी के सम्मान के लिए भी योजनाएं चलाए, और हम नारियों का सम्मान बढ़ रहा है और नारी स्वयं में सम्मानित है, और उसका सम्मान अगर सम्मान और बढ़ता है, इससे सर्व समाज का सम्मान बढ़ता है। धन्यवाद मैडम, आप कुछ कहेंगी, वो शब्द आप भी कुछ कहती है नारियों के बारे में, आपको अध्यक्ष है, सम्मान तुम हो, स्वाभिमान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल कभी न दुखाना अपना, उस विधाता की विधान तुम हो, उस विधाता की विधान तुम हो, इस बात को घर से लेके सड़क तक और सड़क से लेके सदन तक और कलछिल से लेकर कलम तक, अगर इसकी परख, इसकी पहचान
इसको सम्मान अगर किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2014 में जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने निरंतर गांव गरीब किसान के साथ साथ महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने निरंतर अपने प्रयास में कि महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे मजबूत बने, उनके सम्मान के लिए, उनके इज्जत के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए घर से लेकर के बताए तो सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक और कल्चर से लेकर कलम तक उन्होंने महिलाओं को ही आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाएंगे। और मैं मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये महिला सम्मेलन तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत हो रहा है पूरे भारत में एक साथ, जो कि ये हर बूथ पे पद यात्रा के रूप में किया जा रहा है। हम मोदी जी और माननीय योगी जी को, दोनों लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और महिला सम्मेलन का आज आखिरी समापन दिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को गोरखपुर की महिला मोर्चा की तरफ से धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ में गोरखपुर महिला मोर्चा की अध्यक्ष और गोरखपुर की पूर्व मेयर साहिबा। और हम अब चलते हैं जी जी, मैं गोरखपुर की महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष और गोरखपुर की पूर्व मेयर साहिबा। अब हम चलते हैं और पांच विधानसभाओं के जो अध्यक्ष हैं लालगंज के, उनसे बात करते हैं। अब हमारे साथ में लालगंज के जिला अध्यक्ष, और अगर इनको ये कहा जाए तो एक स्पोर्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे, युवा भी हैं, और एक युवाओं के अंदर एक नई सोच, नई उमंग और नया जज्बा होता है। तो सर, जिस तरीके से आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया पांच विधानसभाओं का, लेकिन वहीं पर सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी हों, इनके सपने, इनकी सोच कुछ और है, लेकिन जो नीचे के अधिकारी और कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं। जैसे आपके लालगंज क्षेत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें दवाएं नहीं है, पैथोलॉजी लैब अनरजिस्टर्ड तरीके से चल रहे हैं, सीएमओ को बार बार इसके बारे में अवगत कराया गया लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं करते। तो क्या इन मुद्दों को आप ऊंचे स्तर तक पहुंचाएंगे? देखिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत विश्वास के साथ मुझे जिला अध्यक्ष बना करके आप लोगों के बीच में भेजा है, तो मेरी प्राथमिकता सबसे ज्यादा मेरा कार्यकर्ता है, उसका परिवार है। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो मुझे स्वयं खड़ा रहना है और उसको मजबूत करने का मुझे काम करना है। मेरा जिला पदाधिकारी, मंडल का अध्यक्ष, मेरे जितने भी पन्ना प्रमुख तक का मेरे जो कार्यकर्ता, वो मेरी प्राथमिकता है। दूसरी चीज है जो जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग पार्टी के मुखिया के रूप में मुझे काम करना है तो जनता के मुद्दे से भी जुड़े रहना है। तो जितनी भी चीजें हमारी संज्ञान में आएंगी उन सारे चीजों पर हम लोग ठीक प्रकार से बात करेंगे। और निश्चित है, योगी जी की सरकार है, योगी जी की चलती है और किसी अधिकारी की नहीं चलती है। और जो योगी जी कहते हैं वो काम धरातल पर दिखता है, नहीं दिखता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता अगर मेरे संज्ञान में आता है, कोई अधिकारी कर्मचारी किसी व्यक्ति का शोषण नहीं कर पाएगा, लेकिन वो चीजें हमारे संज्ञान तक आनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। और अवैध रूप से आपके यहाँ हॉस्पिटल चल रहे हो, पैथोलॉजी चल रहे हो, तो लिखित में अगर आप शिकायत भिजवाएंगे तो निश्चित है कि उस पर कार्रवाई कराने की हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन सारी चीजें हमारे संज्ञान में आनी तो चाहिए। और विकास की बात करें तो जितना योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार है, विकास की योजनाएं हैं वो धरातल पर दिख रही है। इसका कारण है कि आज गांव गांव आपको आवास दिख रहा है, गांव गांव शौचालय दिख रहा है, गांव गांव तक कनेक्टेड रोडें दिख रही हैं। आपके लालगंज से लेकर के पूरे क्षेत्र में रोडों का जो जाल बिछा है वो आप सब उसकी गवाह है। और भी बहुत सारी विकास परियोजनाएं हैं, अभी पीएम विश्वकर्मा योजना चलने वाली है, चल रही है, लोग पंजीकरण करा रहे हैं। गांव गरीब का एक एक व्यक्ति जो जूता सिलने से लेकर के और एरोप्लेन चलाने तक का पुर्जा बनाने का काम करता होगा, उसे योगी जी मोदी जी की सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित करने जा रही है, उसे लोन देने जा रही है, उसे प्रशिक्षण देने जा रही है। तो ये सारी योजनाएं, एक एक घर में जिसके पास 6 यूनिट से ज्यादा राशन जो लेता होगा उसको राशन, उसका आयुष्मान कार्ड बनने जा रहा है, बन भी रहा है। ये सारी योजनाओं का लाभ लेने की आवश्यकता है। जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग नहीं ले पाते,
ये सारी ऐसी योजनाएं जिसे आप सहित सारे लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो पहला काम यह है कि जो योजनाओं की उसकी जानकारी जनता तक पहुंचे और स्वयं आप उसका लाभ ले सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के पोर्टल से अपलोड करके। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से युवाओं के अंदर एक जोश होता है और एक कुछ कर गुजरने की एक क्षमता होती है और युवा की सोच भी नहीं होती है, क्योंकि युवा ये सोचता है कि कुछ नई चीजें आए, तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से लालगंज का नाम लाल शाह बाबा के नाम पे पड़ा, तो आपके आने से क्या लालगंज फिर लाल बरसेगा? बिल्कुल, यहाँ पर लालगंज निश्चित रूप से मुख्यालय से कहीं भी किसी प्रकार से मेरी पांचों की पांचों तहसील के लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे, पांचों विधानसभा के लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। एक एक विकास कार्य अगर मुख्यालय पर होगा तो आपके लालगंज में होगा। लालगंज को विकास, जितना विकास चल रहा है उसमें कहीं भी मेरा लालगंज पीछे नहीं रहने वाला है, और मुख्यालय से ज्यादा विकास हम लोग लालगंज का कराने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से लालगंज आगे आने वाले से समय में पूर्वांचल का केंद्र बनेगा, ऐसा व्यवस्था हम लोग करेंगे लालगंज में। धन्यवाद आपका। हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम भाई साहब? धर्मराज सिंह, धर्म मंडल महामंत्री हूं जी। आज जो ये महिला शक्ति वंदन का जो प्रोग्राम हो रहा है जी, तो ये खाली लालगंज में हो रहा है कि हर जगह? नहीं नहीं, पूरे प्रदेश में हो रहा है। इससे क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? हम महिला नारी शक्ति के बारे में है, 33% जो आरक्षण मोदी जी ने दिया है महिलाओं को आगे करने के लिए, हर जगह जो है महिलाओं को आगे किया जा रहा है, सांसद बने विधायक बने, यही है मैसेज। चलिए धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? आदर्श राय, मंडल महामंत्री भारतीय जनता। विचार रखे इसके ऊपर? देखिए ये जो अधिनियम हमारी सरकार ने पारित किया है, ये महिलाओं के लिए एक बड़ा सम्मान है। इसके पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने सिर्फ खोखले वादे किए थे। आज देखिए, आज से 10 वर्ष पूर्व महिलाओं का इस तरह से घर से बाहर निकलना संभव ही नहीं था, लेकिन आज आप देख सकते हैं इस ब्लॉक सभागार के परिसर में, यूं कहें तो पुरुषों को पूरी तरह से महिलाओं ने ठेल के बाहर कर दिया है, सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन आज अगर हुआ है तो हमारी सरकार के, हमारे मोदी जी के सकारात्मक सोच के कारण। आज आप देखेंगे उसी के निमित्त एक ऐसा संविधान जो कानून उन्होंने पारित किया है, उससे भी आप देख सकते हैं कि अब चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है उसको लेकर एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा कानून बनाया गया है। तो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हर मंडल में, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश में, विभिन्न प्रदेशों में ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें महिलाओं को उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, एक बड़े कानून के साथ पूरे प्रदेश देश में बहुत बड़ा हर्ष है। चलिए धन्यवाद आपका।